भाई मैं बीच में फंस गया हूँ, देख सकते हैं आप। वो भाई को भी देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बीच में फंसा दिया है। फंस गया हूँ मैं बीच में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो भाई आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, और आज डे 4 है हमारा। तो हम गिलगित में थे, और गिलगित से हम अब जा रहे हैं नलतर वैली। और नलतर वैली के बाद हमारे अगर टाइम मिला हमें तो हम अहमदाबाद लेक जाएंगे। तो भाई आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, और हम गिलगित को खुदा हाफिज़ कर रहे हैं। तो चले ना, आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं और गिलगित को खुदा हाफिज़ करते हैं। ये गिलगित को हम खुदा हाफिज़ कर रहे हैं, और मिलते हैं हम आपसे नलतर वैली के अंदर। तो जनाब हम नलतर के लिए रवा दवा हैं, और इतने हसीन नज़ारे हैं ना रास्ते के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और नलतर हाईवे पे चल रहे हैं, नलतर का रोड दिखाया बाबा भी ने आवाम को। एक इतना ज़बरदस्त रोड बनाया है नलतर का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खूबसूरती ही खूबसूरती है, और जगह जगह फ्रूट ही फ्रूट लगे। ये नलतर का रोड बना दिया है भाई, वीआईपी किस्म का। तो जनाब ये नलतर एक्सप्रेसवे है, और बहुत 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 हसीन, बहुत हसीन नज़ारे हैं भाई। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता आपको। और नीचे नहर चल रही है साथ साथ हमारे, ये आप देख सकते हैं। आप लोग भी मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि गिलगित आएँ और हंजा वाली साइड पे आएँ, तो नलतर वैली लाजमी आएँ, लाजमी। बहुत ज़बरदस्त हाईवे बना दिया है नलतर का। हम जो है इस टाइम नलतर पहुँच गए हैं, सिर्फ 3.5 किलोमीटर रह गए, और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना बहुत खूबसूरत हैं। तो आएँ आपको नज़ारे कराते हैं ज़रा हम। ये आप देख सकते हैं नज़ारे, बहुत 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 ज़बरदस्त नज़ारे हो रहे हैं भाई। बहुत वीआईपी किस्म का व्यू है। ये मैं सामने से देख रहा हूँ, और आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ मज़ा ही आ रहा होगा भाई। यहाँ पर ये झरना बह रहा है। तो जनाब हम इस टाइम ये ब्रिज के ऊपर हैं, और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और ये ब्रिज के पास से आप व्यू चेक करें कि कितना हसीन व्यू है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लाइक एक सीनरी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम जिस तरह सीनरी वगैरह हम अपने घर पे देखते थे बचपन में, और लगी हुई होती थी ऐसी, बिल्कुल सीनरी लगी हुई है यहाँ पे। और ख़ूबसूरती की तो बिल्कुल इंतहा जो है ना वो एंड हुई हुई है, चेक कर सकते हैं आप। ये पहाड़, और हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, और सामने बिल्कुल पीसफुल माहौल है भाई, इंतहाई का खूबसूरत माहौल है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। अब नलतर इतना खूबसूरत है, आपको पता है कि नलतर में जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ की तो अलग ही ब्यूटी है फिर भाई। A few moments later. तो भाई इस टाइम हम नलतर व्यू पॉइंट आ चुके हैं, ऊपर बहुत ऊपर है, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है भाई, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। पूरा जो गांव है इनका पूरा नीचे, वो देखें कितना नीचे है वो, और हम कितना ऊपर है। ये भी मैं आपको ले जा कर दिखाता हूँ। हम इन घने जंगलातों में से डायरेक्ट ऊपर आए हैं, और ऊपर आके हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है। और ये ट्रक लगे हुए यहाँ पे, हम अपनी गाड़ी में आए, पिकांटो में आए। तो देख सकते हैं आप ये कितना ज़बरदस्त व्यू चल रहा है। हम भाई थक गए बहुत, और ट्रैकिंग कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ, कोशिश है। लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक भी है कि क्या होता है, कि हम पहुँच पाते भी हैं या नहीं। कोशिश पूरी है। तो जनाब हम नलतर आए, और नलतर के अंदर हम आपको एक बैड न्यूज़ देंगे। वो बैड न्यूज़ ये है कि 0 पॉइंट तक तो आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं,
लेकिन ये है कि यहाँ पर अभी भी इन्होंने जो है ना वो जीप वाला ट्रैक बनाया हुआ है, तो जीप के अंदर जाना पड़ेगा आपको। लेकिन जीप वाले ऐसे मुंह फाड़ ले कि हमने कैंसिल कर दिया फिर वहाँ की, जो हमें झील वाली साइड जाना था। 9,000 रुपये भाई, 9,000 रुपये। मैंने कहा भाई 9,000 रुपये में इससे अच्छा मैं उंदा और अताबाद देख के मज़े ले लूँगा। तो हमने अपना नलतर का प्लान जो था, जो हमने खूब जो जीरो पॉइंट असल व्यू था भाई, जीरो पॉइंट का वहाँ हमने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो हमने अब सोचा कि हम हुंजा जा रहे हैं और अताबात लेक जा रहे हैं, तो चले ना चलते हैं हुंजा फिर। इस टाइम हुंजा वाले रास्ते पर हैं और हुंजा के लिए हमने जो रोड है वो लिया हुआ है और सामने सुरंग है, तो हम इस सुरंग में से जाएंगे। दिखाएं जरा ऑडियंस को सुरंग, और इसमें से हमारा गुजर होगा इन पहाड़ों के बीच में से। इसका तो मजा ही अलग है भाई, मजा ही अलग है, देख सकते हैं। और पीछे जो हमारे बच्चे जो है ना वो पोएम सुन रही है, जिसकी वजह से चुन्नू मुन्नू तो लड़ाई थी। ये तो बहुत छोटी सी सुरंग है, आगे और बड़ी बड़ी आएंगी। अच्छा हमको सिखा रही है। तो जनाब मुझे बड़ा जबरदस्त व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि ऑटम्स जो होते हैं, ऑटम्स का महीना जो है बड़ा कितना खूबसूरत है और बहुत हसीन है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरती है ना यहाँ पर, इतनी खूबसूरती है कि दिल नहीं कर रहा भाई मेरा तो यहाँ से जाने का। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं पे अपना बसेरा डाल दूँ और पत्ती चेक कर रहे हैं। बस हरियाली ही हरियाली है भाई, हरियाली हरियाली। तो भैया आप लोगों को भी मुझे मालूम है व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ साथ व्लॉग देखने में, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा भाई के साथ साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं अब हुंजा वाली साइड पे। तो जनाब हम हुंजा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक ज़बरदस्त सा व्यू पॉइंट मिला, जिसको आप जानते हैं राकापुशी व्यू पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त है भाई, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। और ये सामने हमारा सफ़र है, तो हम तो आगे जाना है हमें, तो आगे ही चलते हैं हम। तो जनाब हम जा रहे थे हुंजा और अताबाद लेक, लेकिन बीच में हमें जिप लाइन दिखी राकापुशी की, तो हमने सोचा क्यों ना जिप लाइन ट्राई की जाए। तो आ जाए ना, आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। हम जिप लाइन पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए, और पीछे राकापुशी व्यू पॉइंट है और जिप लाइन ऊपर है। चलते हैं ऊपर जिप लाइन की तरफ, और नवा भी करेंगी जिप लाइन अकेले अकेले। तो भाई पहले जो है ना हम यासीन को भेज रहे हैं, बाद में हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ना दिल डगमगा गया थोड़ा सा यहाँ ऊपर आने के बाद। तो पहले यासीन जा रहे हैं हमारे। तो यासीन भाई फ्लाइट के लिए रेडी है जाने के लिए, नवा का तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया, तो यासीन भाई जा रहे हैं यहाँ से जिप लाइन में। आपके भी डबल लगा है, और हाँ मेरे में डबल लगा है भाई ने। आपका वेट कितना है? मेरा 100 किलो है। 100 ही है? नहीं आपके ज्यादा 80, 82। नहीं नहीं 100 तो है, अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। चलो भाई यासीन भाई रेडी हैं, ये भाई हाथ छोड़ दो भाई, जाने दो जाने दो। यासीन भाई गए, हमारी फीलिंग है, हम देखते हैं हमारा क्या सीन है भाई। तो भैया हम भी रेडी हैं, हमारी फ्लाइट रेडी है जाने के लिए, तो कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। तो भैया यासीन भाई जाने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, और राकापुशी व्यू पॉइंट पर हैं हम इस टाइम, और यासीन भाई अब वापसी जा रहे हैं, हम भी वापसी जाएंगे। तो लैंडिंग के दौरान पाउंड क्लोज, अब हम भी अपनी वीडियो बनाएंगे जाते टाइम की, वापसी जाते टाइम की हम वीडियो बनाएंगे अपनी, सिर्फ वापसी जाते टाइम की। भाई मैं लटक गया हूँ बीच में, हैं कैसे करूँ? मैं बीच में फंस गया हूँ, देख सकते हैं आप, वो भाई को भी देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बीच में फंसा दिया, फंस गया हूँ मैं बीच में। भैया बहुत मज़ा आया जिप लाइन करने में, और बहुत बेहतरीन सफ़र रहा,
अब हम जा रहे हैं हुंजा की तरफ। तो आप लोगों से हुंजा अताबाद लेक का अगर टाइम मिला तो अताबाद लेक में मिलेंगे, नहीं तो हुंजा में मिलेंगे। तो चलें चलते हैं अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रूम्स हम देख रहे हैं कि कैसे हैं रूम्स, और अगर अच्छे लगे तो हम यहीं स्टे कर लेंगे आज, नहीं तो फिर आगे निकलेंगे हम। देखते हैं कैसे रूम। टू बेडरूम है और अच्छा खासा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, प्यारा बना हुआ है। वॉशरूम भी साथ ही है, वॉशरूम भी है। वाह क्या सीन है। चला फाइनली हम जो हैं अताबाद लेक पर आ चुके हैं, और अब आपको चल के व्यू दिखाते हैं अताबाद लेक का। तो भाई अताबाद लेक पर हम आ गए हैं, और यह लेक है अताबाद लेक। तो सीन चेक कर सकते हैं, सीन कुछ ऐसे हैं यहाँ के और नीचे के। तो मेरे ख्याल से अभी चला रहे हैं या ऑफ हो गया है ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत क्लास का व्यू हुआ है, बहुत क्लास का। तो भाई बोट का जो है वो हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है, यासीन हमारे साथ ही और हम कश्ती में बैठे हैं, और हम अताबाद लेक की तरफ अब इंजॉय कर रहे हैं फुल। यहाँ के व्यू और यहाँ के नज़ारे जो है ना वो हम आपको दिखाएंगे कैसे नज़ारे हैं। जनाब ये आप पीछे ऊपर बर्फ ही बर्फ है, और नीचे पानी अताबाद लेक और सूरज। नबा एंजॉय करते हुए तो जनाब इस टाइम हम आज रात हुंजा में स्टे कर रहे हैं, और हम हुंजा के बाज़ार आए हुए हैं, और ऊपर हम खाने के लिए जा रहे हैं खाना। ये शॉप्स वगैरह यहाँ पे ये याक की चादरें वगैरह लटकी हैं, तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके खाना वगैरह खाएंगे, और खाना खा के फिर हम अपने होटल वापसी आएंगे। तो भैया ये हम आए हुए हैं हुंजा के पिज़्ज़ा मैक्स पे, पिज़्ज़ा पैमर के ऊपर, और यहाँ हम खाना खाएंगे अभी। तो जनाब आला हमारा खाना आ चुका है और ये पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं। तो भैया आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा। तो भैया आप मुझे खाने दीजिए, और आप लोग बस अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।